वो किसी रूप में आए, जरूरी नहीं कि आपके सामने साक्षात प्रकट होंगे कि भैया तू मुझे पहचान, सामने भी होंगे तो भी आपको कोई शांति नहीं मिलने वाली। मिल गई थी क्या? भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र के सामने भी थे, कर्ण के सामने भी। कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसके सामने भगवान राम और कृष्ण ना हो? लेकिन केवल अगर दिख जाने से शांति मिल गई होती तो लोग उस समय भी दंडकारण्य वन में तपश्चर्या कर रहे थे। राम को जानने से मिलती है, मानने से नहीं। राम जी को भगवान माने लेकिन उनके उनको ना जान पाए, उनके स्वभाव से परिचित ना हो पाए, उनसे प्रेम ही ना कर पाए, तो फिर क्या जानना? वो दृष्टि प्राप्त नहीं होगी कि वो आप प्रभु को जान पाओ। तो विश्वास भगवान पर नहीं होता और कहीं ना कहीं इसी कारण हमारे कार्यों में देरी हो जाती है। एक डॉक्टर था, ये कथाएं मैं इसलिए बता रही हूं जिससे आपको पता चले कि प्रार्थनाओं में कितना बड़ा बल होता है। एक हृदय का बहुत बड़ा विशेषज्ञ हुआ जिसका नाम था मार्क। उसने अपने क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि करी, सर्जरी की। लेकिन वो बड़ा नास्तिक था, वो भगवान को नहीं मानता। तो वो कहता था मैं कर्म पर विश्वास करता हूँ, मैं ईश्वर विश्वर को नहीं मानता, बस कर्म पर विश्वास रखो, कर्म करते जाओ, बस कर्म करोगे वही फल मिलेगा। और उपलब्धि उसे प्राप्त होती जा रही थी, होती जा रही थी, होती जा रही थी। एक बार एक जगह पर, क्योंकि बाहर के जो विदेश हैं बहुत छोटे छोटे हैं, तो वहीं से लगे हुए, उनसे जुड़े हुए कई देश होते हैं। जैसे यहाँ से अगर तुम्हें गुजरात पहुँचना है तो यहाँ से फ्लाइट लेकर जाना पड़ेगा गुजरात। अब हमारे यहाँ तो राज्य है वो, पर वहाँ वो कंट्रियों की तरह से जाने जाते हैं। तो मार्क ने के पास एक इन्विटेशन आया जिसमें पूरे विश्व भर के डॉक्टर, हृदय के जो डॉक्टर थे वो आने वाले थे, और उनके रूप मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मार्क को बुलाया गया, क्योंकि उन्होंने हृदय के सर्जरी के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। तो सारे विश्व भर के डॉक्टरों के सामने उन्हें सम्मानित करना था, और इतना बड़ा अवसर डॉक्टर मार्क खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने तुरंत अपना फ्लाइट का टिकट बनवाया और कहा 7 बजे मुझे निकलना है और 9 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा, 11 बजे से वो सेमिनार स्टार्ट हो जाएगा, मुझे ये डायलॉग बोलने हैं, क्योंकि वहाँ बोले जाएंगे लोगों के समक्ष क्या क्या। पूरी तैयारी कर ली, कौन कौन से कपड़े रखने, कौन कौन सा क्या परफ्यूम कौन सा लगा के जाऊँगा, ये क्या करूँगा, सब मतलब पूरी प्लानिंग। और अगले ही दिन 7 बजे निकले, फ्लाइट टेक ऑफ की, उड़ी, लेकिन अचानक से इंजन खराब हो गए। तो क्या हुआ, उन्हें जहाँ जाना था उससे पहले ही एक एयरपोर्ट पर वो फ्लाइट को उतारना पड़ा। डॉक्टर मार्क को पता चला, बड़ा गुस्सा आया उन्हें, ये क्या हुआ। उन्होंने कहा ये हमारे हाथ में नहीं था, अपने आप सब, हमने तकनीक तो सारी चीज़ें अच्छी रखी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आपकी जान को खतरा ना हो, ये जितने यात्री इनकी जान को खतरा ना हो इसलिए यहाँ उतार दिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। तो डॉक्टर मार्क को तो वो सेमिनार दिख रहा था, उसने तुरंत गाड़ियों की व्यवस्था, टैक्सी वालों के पास गया, तो वहाँ सब टैक्सी वाले हड़ताल पर। तो उस समय उनका आई कार्ड देख करके उन्हें एक गाड़ी सौंप दी गई कि खुद ड्राइव करके चले जाओ, यहाँ से 2 घंटे लगेंगे। वो वहाँ से 8 बजे के लिए निकले, गाड़ी ले ली, लेकर जा रहे थे कि अभी 2 घंटे में पहुँचूंगा, बस फिर तो मुझे सब विश्व भर के सामने ख्याति प्राप्त हो जाएगी, लोग मुझे जानेंगे मैंने इतनी बड़ी उपलब्धि की, कल बड़े बड़े विज्ञापन लगे होंगे मुझे, ये मेरे लिए गर्व का दिन है। लेकिन अचानक से इतनी तेज आंधी आई कि वो गाड़ी को उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि जाने की बड़ी जिद है कि मुझे जाना है, जाना है, जाना है। और हुआ क्या, रास्ता भटक गए, बहुत तेज आंधी तूफान था। 1-1.5 घंटे के बाद जब उन्होंने देखा शांत हुआ तो वो एक किसी जंगल में आ गए। गाड़ी को आगे लेकर गए तो घनघोर जंगल,
वहीं पर उनका डीजल पेट्रोल खत्म हो गया। थके भूखे प्यासे टाइम देखा तो 12 बज चुके हैं, वो सेमिनार तो गया। ये क्या हुआ, 2 से 4 घंटे यहीं पर फंसे रह गए, यहाँ पे तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। भूखे प्यासे 2 बज गए घूमते घूमते, वहीं पास में एक झोंपड़ी दिखाई दी, उन्हें लगा कुछ तो खाने को मिलेगा, दौड़ पड़े वहाँ, दरवाजा खटखटाया, कोई है वहाँ। एक महिला उस झोंपड़ी को खोलती है, बड़ी गरीब थी, पूछती है, वो कहता है कि मेरी गाड़ियाँ ख़राब हो गई, मैं रास्ता भटक गया हूँ, यहाँ से शहर कितना दूर है? उन्होंने कहा यहाँ से 20 किलोमीटर है, तो मुझे कुछ खाने को मिल सकता? उसने कहा आओ अंदर। दरवाज़ा खोला, वो अंदर आया, बैठा। उस स्त्री ने चाय बिस्किट निकाले, चाय बना रही थी, चाय बनाकर 3 कप लिए, एक अपने बेटे के लिए, एक डॉक्टर मार्क के लिए, एक अपने लिए, कुछ बिस्किट उसके सामने रख दिए और कहा, क्योंकि गरीब थी, कुछ बिछाने के लिए नहीं था, जैसे तैसी परिस्थितियों को, मार्क देख रहा था बहुत गरीब है, बड़ी असहाय है, इस जंगल में अकेली रहती अपने बच्चे के साथ। चाय के कप उस स्त्री ने रखे तो उस स्त्री ने कहा कि अगर आप चाहें तो हमारे साथ थोड़ी देर भगवान की प्रार्थना कर लें। उसने कहा मैं भगवान को नहीं मानता, पर मैं आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, आप दोनों करना चाहते हो प्रार्थना करूं, मैं चाय पी लेता हूं तब तक। उसे भूख लगी थी, उठाए चाय में बिस्किट डाले और खाने लगा, चाय की चुस्की लेने लगा, लेकिन वो गौर से देख रहा था वो स्त्री और उसका बेटा बड़ी गंभीरता से भगवान की प्रार्थना में तल्लीन थे। डॉक्टर मार्क को लगा कोई कुछ बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हैं, ये बड़े दुखी हैं, और मैं यहाँ आ गया हूँ, संपन्न भी हूँ, अगर कोई ऐसी ज़रूरत हो तो मैं शायद इनका दुख दूर कर सकूँ, पूछने में क्या जाता है। वो जब प्रार्थना करके उठे तो आज डॉक्टर मार्क ने कहा, देखो मैं भगवान ईश्वर को नहीं मानता, पर मैंने तुम्हें और तुम्हारे बालक को, इस नन्हे से बालक को प्रार्थना करते हुए देखा, तुम उस ईश्वर को मानती हो? उसने कहा हाँ, क्यों नहीं, वो है तभी तो मानते हैं। बोले मैं नहीं मानता, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम इस प्रार्थना में क्या मांग रही थी? लगता बहुत गंभीर कुछ चीज़ थी, और तुम बहुत दुखी भी हो, इस जंगल में अकेली रहती हो, क्या तुम बता सकती हो तुम क्या मांग रही थी? उस स्त्री ने चाय का कप उठाया, मुस्कुराते हुए चाय की एक चुस्की ली और कहा कि ये जो मेरा बेटा है ना, जब ये छोटा था इसके पिताजी का देहांत हो गया, वो जब से छोड़ कर गए तब से मैं बेमुश्किल अपने घर का पालन पोषण करती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था मेरे बेटे को दिल की बीमारी है, डॉक्टरों ने कह दिया है 1 से 1.5 साल ही है इसके जीवन के लिए, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं मैं इसका इलाज कर सकूं, क्योंकि इसके इलाज का यदि इसको कोई सुरक्षित कर सकता है, बचा सकता है, तो इस समय डॉक्टर मार्क है जो कि अलग देश में रहते हैं, वहाँ तक जाने के लिए पैसा नहीं, उनके पास मैं अपने बेटे का इलाज कैसे कराऊंगी वो भी पता नहीं है, लेकिन हमें ईश्वर से बड़ी आशाएं हैं, हम प्रतिदिन, मेरा पुत्र, हम दोनों प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कोई ना कोई ऐसे कार्य करेंगे, किसी किसी को भेजेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि मेरा बालक मुझसे छीनेंगे नहीं, बस इसी आशा से हम दोनों यहीं बैठे रहते हैं। डॉक्टर मार के पैरों तले जमीन खिसक गई, चाय का गिलास छूट गया, उनके नेत्रों से झर झर अश्रु बरसने लगे, तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसमें कहा कि मुख से सुना कि जहां मुझे एक बहुत बड़े सम्मेलन में जाना था, मैं पागल हो चुका था उस प्रतिष्ठा की आड़ में, कि भूल गया कि स्वार्थ से भी बढ़कर एक परोपकार का भी धर्म होता है, जो प्रभु ने मुझे योग्यता दी थी, उस योग्यता का कहाँ मैं सहयोग कर सकता हूँ, मैं बस प्रतिष्ठा में भागा जा रहा था, मेरा नाम हो, प्रतिष्ठा हो, लेकिन भूल गया कि जो प्रभु ने मुझे पात्रता दी थी मैंने उसे सदुपयोग में कहाँ लगाया, इसलिए प्रभु ने वहाँ भेजा मेरी आँखें खोलने के लिए कि तू कहाँ भटक रहा है, तेरी जरूरत तो इन लोगों में है, इनको आवश्यकता है तेरी। और उस समय से उसने
बहुत सारे अच्छे कार्य सोसाइटी खोल दी, जो ऐसे गरीब निर्धन लोग थे जो हृदय का ऑपरेशन सर्जरी नहीं करा सकते थे, वो सोसाइटी मिल करके उसमें डॉक्टर अध्यक्ष बने, उसका वे बीमारियों से मुक्त करते थे। तो किसने ये किया? उनके नास्तिकपन को एक क्षण के लिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है जानई बिनई नहीं हुई प्रतीति, बिन प्रतीत हुई नहीं प्रीति, बिना जाने मेरा मेरे से प्रेम नहीं उत्पन्न हो सकता, लेकिन तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं खुद ना जना दूं उसे। जब प्रभु चाहते हैं ये मुझे जाने, अपने आप वो चीज़ें सामने प्रस्तुत हो जाती हैं कि वो आपका नास्तिकवाद धरा का धरा रह जाता है।